मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कृष्ण कुमार वेदी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कट्टर कैदियों के अलावा अन्य कैदियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए हरियाणा सदाचारी कैदी अधिनियम 1988 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। संशोधन के अनुसार कट्टर कैदी के अलावा अन्य कैदियों को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा तय की जाने वाली 48 घंटे की अवधि के लिए सशस्त्र पुलिस के एस्कॉर्ट के तहत उसके पोत्र पोत्री या सहोदर के विवाह में शामिल होने या उसके दादा दादी माता पिता दादा ससुर दादी सास सहोदर बच्चे या पोता पोती के मृत्यु अनुष्ठान में उपस्थित होने के लिए अस्थायी आधार पर या फर्लों पर छोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक कट्टर कैदी के अलावा अन्य अपराधी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत 96 घंटे और बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 72 घंटे के लिए अस्थायी आधार पर छोड़ा जाएगा, जिसका संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। वे 24 घंटे के भीतर इस प्रकार रिहाई की जा रहे बंदी के पूर्ण ब्यौरों सहित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सदाचारी कैदी एसआई रिहाई अधिनियम 1988 में संशोधन किया है। हरियाणा में जो कैदियों के लिए एक पॉलिसी बनी हुई हार्डकोर कैदी हैं, जिनको उम्र कैद या उसके आसपास जो सजा मिलती है उनके लिए तो कोई टेम्परेरी फर्लो या छुट्टी के लिए अकस्मात उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए या उनके को परिवार में कोई शादी ब्याह हो उनके लिए तो 96 घंटे 72 घंटे या 42 घंटे ऐसा कुछ उनको फर्लो की आधिकारिक लेवल पर उनको छुट्टी मिल सकती थी। परंतु जो कोई हार्डकोर कैदी नहीं है उनके लिए कोई हरियाणा में पॉलिसी नहीं थी और जिसके कारण बहुत से लोगों को लंबे समय से एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो आज इस संशोधन को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उन लोगों को भी संशोधन में डाल दिया है। यदि उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई दुख सुख या ब्याह शादी की होगी तो उनको भी इसमें फर्लो या छुट्टी मिल सकती है। इसी प्रकार से हरियाणा पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर डिपार्टमेंट की जो इंजीनियर्स की ग्रुप ए में इनकी 2010 में एक पॉलिसी में संशोधन किया गया। अभी पिछले दिनों हमारे इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो इस संशोधन को मान्यता मिल गई थी, परंतु उसी तरह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भवन एवं निर्माण जो हमारा विभाग है हरियाणा लोक निर्माण विभाग उसके ग्रुप ए के इंजीनियर्स को भी उसी संशोधन के साथ जोड़ ले जाए। आज इसको भी हमारी सरकार ने मंजूरी दे दी। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।